अरे ये भी खड़ा हुआ यार, दोस्त है तू मेरा। अभी मेरे परिवार के वो साथी जो युवा विधायक है, जरा उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में हमारी बहनें हैं, हमारे पूर्व विधायक हैं, हमारे वर्तमान सारे विधायक जो पहली बार चुन के आए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण आदरणीय हम विधायकों के सदन में नेता आदरणीय उमंग सिंगार जी और उप नेता हेमंत कटारे जी, मैं अनुरोध करता हूं उनके लिए भी आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। साथियों, प्रजातंत्र लोकतंत्र इसकी दो पटरियों पे ये चलता है। एक पटरी होती है जो सत्ता के साथ, सत्ता को सदुपयोग के साथ प्रदेश की सेवा करे, और दूसरी पटरी जो विपक्ष की होती है और एक साथ चलती है। जो वचन पत्र भारतीय जनता पार्टी ने दिया, अब हमारे हाथों में ये बीजेपी का वचन पत्र होना चाहिए। ये बीजेपी के वचन पत्र में इन्होंने 3000 हमारी बहनों को देने का कहा था या नहीं कहा था? आदरणीय शिवराज जी भैया ने बहनों को 3000 रुपया जैसे ही सरकार बनेगी मैं दूंगा। अब भैया तो चले गए, अब बहनों के भैया हो आप। 3000 जब तक नहीं मिले, विपक्ष को कांग्रेस को सड़क पर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? साथियों, 3000 रुपया कुंटल किसानों के गेहूं की मांग थी, 2700 रुपए बीजेपी ने कबूल किया। इसमें लिखा है 2700 रुपए पहली कैबिनेट में करना था कि नहीं करना था? जब तक नहीं करेंगे हम सड़क पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? 3100 रुपए धान का दाम, हर घर को रोजगार, 2 लाख नौकरियां, 450 रुपए का सिलेंडर, ये सब शिवराज जी चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि नहीं कहते थे? अब वो चले गए हैं, अब आ गए हैं महाकाल के मोहन। मैं आज महाकाल राजा के चरणों में वंदना, समृद्धि मध्य प्रदेश की, और बीजेपी अपने वचनों का पालन करे, मोदी की गारंटी का पालन करे, इसकी प्रार्थना करके आया हूं। और साथ ही साथ ये अंतर मन में संकल्प लेके भी आया हूं कि जब तक कांग्रेस के 51% वोट मध्य प्रदेश में नहीं होंगे, तब तक हमारे परिवार का एक एक साथी चैन से बैठेगा नहीं। आप लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारे वरिष्ठ जन, वो चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी हो, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हो, हमारे पीसीसी के आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी, आदरणीय सुरेश पचौरी जी, आदरणीय सिंह राहुल भैया, अजय भैया, या हमारे परिवार के वो सब साथी जो वरिष्ठ जन है, जिनने कांग्रेस के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, देश के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, वरिष्ठों के सम्मान के साथ हम युवाओं का संकल्प है, हमारा दायित्व है, हम सब परिवार के लोग घर घर जाकर कांग्रेस के आइडियोलॉजी को हर अंतर मन में बसाए, प्रेम की, प्यार की। क्या है कांग्रेस की आइडियोलॉजी? कांग्रेस की आइडियोलॉजी है जो प्राचीन भारत की आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी है जो भारतवर्ष के आम नागरिक की आइडियोलॉजी है, भगवान राम कृष्ण और पैगंबर की आइडियोलॉजी है। क्या है वो? उसमें इंसानियत की रक्षा की बात होती है, वसुदेव कुटुंब की बात होती है, प्राणी मात्र का, भगवान का प्राणी मात्र का की रक्षा की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है, प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत, सबको एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ त्याग करने की भावना ही भारत की भावना है, और यही आइडियोलॉजी सर्वधर्म संभाव की कांग्रेस पार्टी की है। हम सब मिलकर जरूर हम हारे हैं, मुझे पता है कि हताशा और निराशा भी आम कांग्रेस के कार्यकर्ता में है, पर मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जितना तगड़ा झटका लगता है उतनी बड़ी सफलता लगती है, मिलती है। हमारे सामने चुनौती है लोकसभा के चुनाव की,
हमारे सामने चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी का जो 25 साल का कुशासन था उसके बाद भी वो जीत, जो 15-18 साल का कुशासन था उसके बाद भी वो जीत गई, इससे जनता को आभास कराने का मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। किसी प्रकार से डरने की और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र में जीत और हार हो सकती है, पर सत्ता और विपक्ष भी होता है। विपक्ष में रहकर हम सेवा कैसे करें, इस भावना को अंतर मन में ये एहसास हमें होना चाहिए कि हम प्रदेश की समृद्धि के लिए सकारात्मक विपक्ष चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का 2 दिन पहले फोन आया कि नरेंद्र तोमर जी विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले हैं, तो क्यों नहीं उनको आप निर्विरोध कर दें। हमने पहल की सकारात्मक विपक्ष की भूमिका, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने इस भावना को विधायकों की सहमति से पूर्ण की कि हाँ निर्विरोध करते हैं। मैं मानता हूं ये हमारा पहला कदम है सकारात्मक विपक्ष का। आशा करते हैं आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर मध्य प्रदेश की विधानसभा से हटाई गई और बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगाई गई। बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगाई, इसका हम स्वागत करते हैं, पर एक था जिनने आजादी के नायक आदरणीय महात्मा गांधी जिनकी तस्वीर लगी थी, एक थे बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान के निर्माण करने में सबसे बड़े प्रेरणा थे, और एक थे जिन्होंने भारत का निर्माण किया, भारत की आजादी के लिए कई सालों तक जेल में गए। अगर तीनों तस्वीर लगती तो क्या भारतीय जनता पार्टी को हो जाता। आप अटल बिहारी वाजपेयी की उस भावना को जिन्होंने संसद में नेहरू जी की तस्वीर न देखकर अपनी बात पूरे देश के सामने रखी और फिर नेहरू जी की तस्वीर लगाई, क्या आज की भारतीय जनता पार्टी नफरत से इतनी भर गई है कि अटल बिहारी वाजपेयी को उस भावना की भी कद्र नहीं करती। मैं मानता हूं इसकी पूरे प्रदेश ने पूरे देश ने निंदा करनी चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की इनने तस्वीर लगाई, पर हम स्वागत करते हैं बाबा साहब अंबेडकर की इन्होंने तस्वीर वहां पर लगाई। मैं मानता हूं हम सब परिवार के लोग इनकी नफरत और घृणा की राजनीति के खिलाफ खड़े होंगे। मैं फिर से आप लोग सुबह से आए हैं, बहुत स्वागत करता हूं, आपका सत्कार करता हूं, अभिवादन करता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी अगर जनवरी के अंत तक इन वचनों को पूरा न करेगी तो भोपाल में सबसे बड़ी 2 लाख लोगों की इनके वादे याद दिलाने की रैली हम सब करेंगे। याद रखो इस बात, और ये जन भावना को ध्यान रखते हुए हर जिले में इस तरह की रैली जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने वादों को याद करे और उनको पूरा करे। 3,000 रुपया कुंटल गेहूं के दाम की भावना आम किसान की थी, ये कांग्रेस बीजेपी की भावना नहीं थी, ये भावना उन किसान परिवारों की सहायता और सहयोग की भावना थी। ये भारतीय जनता पार्टी ने 2700 रुपए बोला है तो 2700 रुपए करना चाहिए, इन्होंने 3100 रुपए धान का बोला है तो करना चाहिए, हर घर को रोजगार देना चाहिए, 2 लाख नौकरियां बच्चों को मिलना चाहिए, 400 रुपए का 450 रुपए का गैस सिलेंडर हर घर को जाना चाहिए, साथ ही साथ 3000 रुपया शिवराज भैया चला गया है, जीतू भैया और ये सारे भैया यहीं खड़े हैं, हम बहनों की रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे, उन बहनों के लिए 3000 रुपया इस बीजेपी को मजबूर करेंगे कि नहीं करेंगे। बस यही संकल्प हम सबका होना चाहिए। मैं सबको साधुवाद देता हूं, मैं छोटा सा कार्यकर्ता इस कांग्रेस में आप जैसा बूथ का कार्यकर्ता जिसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जवाबदेही मिली है, मैं मानता हूं ये आप लोगों को गौरव का विषय है। मेरे लिए तो इतनी अंतरात्मा का है कि मैं राहुल गांधी जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब और सारे वरिष्ठ जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और एकजुट एक मन से ये कहा कि जीतू पटवारी को ये जवाबदारी देनी चाहिए, मैं उन सबके चरणों में सर रखकर उनको प्रणाम करता हूं और आप सबसे आशा करता हूं कि उन्होंने जो भरोसा जताया इसमें आप सब मेरा साथ देंगे। देंगे या नहीं देंगे? अरे देंगे कि नहीं देंगे? तो मैं फिर से सबको साधुवाद, धन्यवाद। एक बार फिर सज्जन भैया, आदरणीय अरुण भैया, आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी का मैं नाम लेना भूल गया था, आदरणीय हमारे ओंकार मरकाम जी प्रदेश देश के दोनों पदाधिकारी है,
मैं अनुरोध करता हूं उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें, और जितने मेरे बड़े हैं सबके चरणों में मैं सर रखकर आप सबको प्रणाम करता हूं, जितने मेरे युवा साथी हैं जो मंच पे भी है नीचे भी है सबको गले लगा के आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे कारण आपको कभी किसी प्रकार से शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, किसी प्रकार की मेरे काम करने के तरीके से आप सबको गौरव महसूस हो इस बात की मैं भावना की कद्र करूंगा। मैं आरिफ मसूद जी, आदरणीय आरिफ अकील जी, आरिफ अकील जी के बेटे कहाँ है हमारे विधायक जी, अतीक मेरा छोटा भाई, ये और हमारे जितने परिवार के साथी यहाँ और हैं, हमारे जितने परिवार के हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे पीसी शर्मा जी, हमारे सब परिवार के मैं नाम लूंगा लंबा चला जाएगा, नितिन भैया हमारे छोटे भाई सब है, हमारे परिवार के मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। मैं NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सारे प्रकोष्ठ, सेवा दल, सारे देश का दल, सेवा दल, सभी परिवार के साथी, हमारे मीडिया के, सोशल मीडिया के, सब परिवार के साथी गणों को मैं साधुवाद, और खासकर मीडिया को, मैं मीडिया के परिवार के साथियों को भी बहुत साधुवाद देता हूँ। आप लोगों के बगैर, आप लोगों के सहयोग के बगैर विपक्ष में ताकत नहीं आ सकती है। मध्य प्रदेश की जो मीडिया है मैं उसको उससे गौरवान्वित हूँ, इतनी बहादुर, ताकतवर, और हमारे परिवार के सब परिवार के साथीगण जो हर स्तर पर बेनकाब करते हैं, मैं भोपाल जिला कांग्रेस को, मैं भोपाल शहर कांग्रेस को और सभी परिवार को फिर साधुवाद देता हूँ। फिर प्रदेश से आए हुए सभी परिवार के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारीगण, सारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, चाहे पार्षद हो, सरपंच हो, चाहे महापौर हो, सब परिवार के वो लोग, एक एक आप सबका स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। भारत माता की। Thank you.